लगभग 3.5 वर्ष को विस्थापित जीवन बिताएका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष बिमल गुरुङलाई स्वागत जनाउनका लागि भोलि सिलगढी स्थित इन्दिरा गान्धी मैदानमा बिमल पंक्थी गोजा मुमुले विराट जनसभाको आयोजना गरिने भएको छ। उक्त जनसभा स्थलमा आज महासचिव रोशन गिरीले निरीक्षण गरे। जनसभा स्थलको निरीक्षण गरेपछि महासचिव रोशन गिरीले भाजपामाथि कटाक्ष कस्दै दार्जिलिङ पहाडमा भाजपालाई 3 विजय बनाए तापनि आफूहरूको धेरै वर्ष अघिदेखिको माग पूरा नगरेकोले गर्दा नै गोजामुमु विमल खेमाले भाजपासित सम्बन्ध विच्छेद गरेर आउँदो विधानसभा चुनावमा तृणमूललाई सघाउने निर्णय लिएको तिनले बताए। यसको साथै पहाड आन्दोलनको समयमा आफूहरूमाथि लगाएको आरोप एवं मामिलाहरू राजनीतिक मुद्दा रहेको बताउँदै उक्त मुद्दा राजनीतिक रूपमा समाधान हुने तिनले बताए। तपाईँहरूको माग गोर्खाल्यान्ड रहे तापनि राज्यकी मुख्यमन्त्री तथा तृणमूल नेत्री ममता ब्यानर्जीले गोर्खाल्यान्ड नदिने बारे पत्रकारहरूद्वारा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै रोशन गिरीले त्यो तिनीहरूको राजनीतिक बाध्यता हो, तर आफूहरूको माग गोर्खाल्यान्ड हो, त्यो माग हामी उठाइरहनेछौँ, अन्तिम श्वास रहन्जेलसम्म गोर्खाल्यान्डको माग उठाइरहनेछौँ भनी बताए। जो मामला हम लोग का ऊपर हुआ है वो पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकल मूवमेंट में केस हुआ है, हाँ पॉलिटिकली वो सॉल्व होगा। हाँ, और बीजेपी ने इतना बरस में हम लोग का लिए कुछ नहीं किया, हमारा मांग का लिए, हमारा जनता का जो मांग है उसका लिए कुछ नहीं किया, तो हम लोग ने बीजेपी को छोड़ के 2021 में हम लोग ममता जी को सपोर्ट कर रहा है। इतने मामला दिया, देखिए वो पॉलिटिकल केस है, मूवमेंट का केस है। हाँ देखिए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया ना, इसलिए तृणमूल का। हाँ, तृणमूल और बीजेपी तो है, दो मेजर पार्टी है, लेकिन तो बीजेपी को हम लोग ने सपोर्ट नहीं किया तो हम लोग तृणमूल को करेंगे। लेकिन रोशन जी, बात यह है, आपका डिमांड है गोर्खाल्यान्ड, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल को साफ बात यह है, उनको स्टैंड पॉइंट है, हम गोर्खाल्यान्ड नहीं देंगे। देखिए उनका वो राजनीतिक बाध्यता है, पॉलिटिकल कंपल्शन है, हमारा मांग है गोरखालैंड, हम लोग मांग उठाते रहेंगे। ओके, ममता जी भी तो ये बोल रहे हैं हम नहीं देंगे, ठीक है वो अपना बाध्यता है, हमारा बाध्यता वो है कि हम लोग अपना गोरखालैंड मांग उठाते रहेंगे, जब तक अंतिम सांस रहेगा तब तक गोरखालैंड का लिए काम करते रहेंगे।